हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल एजे क्लासेस। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके लिए फिर मैं लेके आया हूँ करंट अफेयर 15 मई के लिए। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। होप फॉर द बेस्ट। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके जो भी सजेशंस है, जो भी है, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उस पर बिल्कुल काम करेंगे। सो ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रैंक्ड इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020। एक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, उसमें भारत को कौन सा रैंक मिला है, भारत किस पोजीशन पे है? ये एक इंडेक्स होता है एनर्जी ट्रांजिशन का, इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? हर कंट्री को रैंकिंग मिलती है, तो इसमें अपना इंडिया जो है वो कौन से रैंकिंग पे है? आइए इसका आंसर देखते हैं। मैं एक बार पहले ले लेता हूँ। देखिए, इंडिया इस पे कौन से रैंकिंग पे है? 74th पे। ठीक है, भारत को कौन से में 74वां स्थान मिला है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं आपको और डिटेल बता रहा हूँ कि ये होता क्या है। जिस इंडेक्स की बात कर रहे हैं अपन, एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स, ये होता क्या है? सबसे पहले, दिस इंडेक्स इज रिलीज बाय, कौन इस इंडेक्स को रिलीज करता है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आराम से समझिए, ये एक इंडेक्स है जिसमें भारत को 74th पोजिशन मिली है। इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेविया में। जिनेवे का स्विट्जरलैंड में। चेयरमैन कौन है इसके? एक मिनट में इरेज कर देता हूँ इसको। चेयरमैन कौन है इसके? क्लॉज। ठीक है, इसकी 50th एनुअल मीटिंग कहाँ हुई थी? दावोस में। थीम क्या था इसका? स्टेक होल्डर फॉर कहेसिव। इंडेक्स इज टॉप्ड बाई, इस इंडेक्स को टॉप किसने किया है? स्वीडन ने। सेकेंड नंबर पे कौन है? स्विट्जरलैंड। देखिए, बहुत आसान तरीका है, इंडेक्स में टॉप किसने किया है? स्वीडन। सेकंड नंबर पे कौन है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? स्विट्जरलैंड। ठीक है, इन ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020, जो ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स है, इसमें भारत को कौन सी रैंक मिली है? सेकंड। इन वुमन ऑन बोर्ड 2020 स्टडी, इंडिया को कौन सी रैंक मिली है? 12th। टॉप किसने किया है? नॉर्वे ने। एक बार वापस समझिए कि जो WEF के द्वारा रिलीज की गई है इंडेक्स, उसमें भारत को कौन सी पोजीशन मिली है? 74। फिर उसके बाद एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स, एक मिनट में इरेज कर देता हूँ, आपको जल्दी समझ आएगा। जो एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स है, इसमें भारत को कौन सी रैंक मिली है? सेकेंड। वुमन ऑन बोर्ड, इसमें भारत को कौन सी रैंक मिली है? 12th। टॉप किसने किया है? नॉर्वे ने। फिर ग्लोबल सर्वे ऑन हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स का जो सर्वे हुआ गूगल का, सॉरी ग्लोबल का, तो इसमें भारत को कौन सा इंडेक्स, कौन सा नंबर मिला है? 144th। टॉप किसने किया है? फिनलैंड ने। इन वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर फ्यूचर इंडेक्स WEFFI 2019, रिलीज किसने किया है? EIU, इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट, EIU ने जो रिलीज किया, उसमें भारत को कौन सी रैंक मिली है? 35th। ठीक है, टॉप किसने किया है? फिनलैंड ने। क्लियर है? एक बार मैं आपको वापस समझा रहा हूँ। देखिए, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जिनेविया, स्विट्जरलैंड। चेयरमैन कौन है? क्लोज। 50th एनुअल मीटिंग कहाँ हुई थी इसकी? डेवोस में। थीम क्या था इसका? स्टेक होल्डर फॉर अ कोहेसिव। इंडेक्स को टॉप किसने किया है? स्वीडन ने। सेकंड नंबर पे कौन है? स्विट्जरलैंड। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? स्विट्जरलैंड में। ये हुई इसकी बात। अब दूसरी जो हुई थी ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स, उसमें भारत को कौन सी रैंक मिली? सेकंड। वुमन ऑन बोर्ड 2020 स्टडी, इंडिया कौन सी रैंक मिली? 12th। टॉप किसने किया? नॉर्वे ने। ग्लोबल सर्वे ऑन हैप्पीनेस इंडेक्स, भारत 144वें रैंक पे। टॉप किसने किया? फिनलैंड पे। वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर फ्यूचर इंडेक्स 2019, रिलीज किसने किया? EIU ने। इंडिया कौन से रैंक पे रहा? 35th पे। टॉप किसने किया? फिनलैंड ने। क्लियर है? नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट। द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज प्लेज हाउ मच इमरजेंसी असिस्टेंट लोन टू इंडिया। जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स समिट होती है, तो उसकी जो डेवलपमेंट बैंक है, उसने कितना अमाउंट प्लेज किया है, लोन प्लेज किया इंडिया को सपोर्ट करने के लिए इस बैटल में, जिस बैटल को अभी हम झेल रहे हैं, दैट इज COVID-19 पेंडेमिक। क्लियर है?
तो आंसर इसका क्या है, US$1 बिलियन। कितना किया है, 1 बिलियन। ब्रिक्स होता है क्या ये देखिए, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। हेडक्वार्टर कहाँ है ब्रिक्स का, संघाई चाइना में, और ये जो कोविड आया हुआ है ये भी चाइना के वुहान से ही आया हुआ है। WHN चेयरमैन कौन है इसका, केवी कामत। ठीक है, आराम समझिए, ब्रिक्स ने प्लेज किया है इमरजेंसी असिस्टेंट लोन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए इस COVID-19 बैटल के लिए। कितना किया है, US$1 बिलियन। अब ब्रिक्स होता क्या है, सम्मेलन होता है जिसमें कि ये सब रहते हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई में। एक मिनट में इरेज कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, संघाई में, चाइना। चेयरमैन कौन है इसके, केवी कामत। नेक्स्ट, नेम द इंडियन स्टेट, हमें भारत के स्टेट का नाम बताना है विच इज हाईएस्ट नंबर ऑफ अंडर 5, 5 साल के नीचे, एंड न्यूनतम डेथ इन 2017 एज पर सब नेशनल मैपिंग ऑफ अंडर 5 एंड न्यूनतम मोर्टेलिटी ट्रेंड्स इन इंडिया। ये एक सब नेशनल मैपिंग है अंडर 5 के लिए, और न्यूनतम मतलब 1 साल से नीचे के बच्चे के लिए। द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेज स्टडी 2017। इन्होंने एक कौन सा स्टेट है जो हाईएस्ट पाया गया है अंडर 5 के लिए और 1 साल से नीचे के डेथ के लिए 2017 में, किसके द्वारा, सब नेशनल मैपिंग ऑफ अंडर 5 एंड न्यूनतम मोर्टेलिटी ट्रेंड्स इन इंडिया। तो इसका आंसर है यूपी, उत्तर उत्तर प्रदेश। कौन है सीएम यूपी के, मैंने पिछली बार ही बताया था, योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अभी नोएडा में एक डीएम को काम नहीं करने पे उसको ट्रांसफर किया था, और उसकी जगह एक नए बंदे को लाया गया था, सुहास लॉय। क्लियर। ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन हरियाणा। ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप जो हुई थी वहाँ कहाँ हेल्ड हुई थी, हरियाणा में। इसके अलावा बता रहा हूँ मैं आपको, इस आंसर क्या है इसका, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा देखिए, यूपी गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स निकाली है, कौशल सतरंग स्कीम, युवा हब स्कीम, आरोग्य मित्रा, और 23rd नेशनल यूथ फेस्टिवल 2020, ये कहाँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश। सूरज कुंड इंटरनेशनल फेयर, ये कहाँ होगा, फरीदाबाद हरियाणा। क्लियर है, एक ग्लोबल इंडेक्स, एक सब नेशनल मैपिंग है जहाँ पे वो अंडर 5 और न्यूनतम अंडर 1 ईयर साल के बच्चे को सबसे ज़्यादा जो डेथ पाई जाती है उसके लिए ये है, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज बोलते हैं इसे। ये कहाँ है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। अब यूपी की बात आई है तो हम आगे की बात करते हैं। मैंने बताया यूपी की सीएम, यूपी के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। कुछ स्कीम्स है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, सबसे पहले कौशल सतरंग स्कीम, युवा हव स्कीम, आरोग्य मित्रा, ठीक है, 23rd नेशनल यूथ फेस्टिवल 2020 लखनऊ उत्तर प्रदेश, सूरज कुंड इंटरनेशनल फेयर 2020 फरीदाबाद हरियाणा। नेक्स्ट आते हैं, द सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन, एक फाउंडेशन है सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन, ये किसका फाउंडेशन है, टीवीएस। टीवीएस का नाम सुना आपने, बाइक आती है टीवीएस की ग्रुप, एंड विच आईआईटी हैज जॉइंटली डेवलप्ड लो कॉस्ट, उसने किसके साथ अपना ज्वाइंट किया है, आईआईटी के साथ, डेवलप्ड लो कॉस्ट ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी असिस्टेंट डिवाइस नेम्ड सुंदरम वेंटेगो। एक डिवाइस बनाई है सुंदरम वेंटेगो। तो हमें ये बताना है कि किस आईआईटी के साथ इसने ज्वाइन किया। आईआईटी की फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जब आप 12th के बाद एग्जाम देते हैं जेई का, मेंस और एडवांस दोनों आप क्लियर करते हो अच्छे नंबर से, तो आपको आईआईटी में एडमिशन मिलती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर। आंसर है इसका आईआईटी मद्रास, मतलब कि आईआईटी मद्रास ने सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन के साथ अपना करार किया है जो लो कॉस्ट ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी असिस्टेंट डिवाइस बनाएगी, जिसका नाम होगा सुंदरम वेंटेगो। क्लियर है,
आईआईटी ने क्या क्या किए हैं कोविड से रिलेटेड, किस आईआईटीज ने क्या क्या किए हैं। सबसे पहले कोरोटाइन ऐप, सेफ ऐप, डिजिटल स्टेथोस्कोप एंड नसल जेल, ये किस आईआईटी ने दिया है। आईआईटी मुंबई ने। वापस देखिए, कोरोटाइन ऐप, सेफ ऐप, डिजिटल स्टेथोस्कोप एंड नसल जेल, संपर्क ओमीटर एंड वार्ड बोट, ये किसने दिया, आईआईटी रोपड़, प्राणवायु वेंटिलेटर आईआईटी रुड़की, प्रोजेक्ट आइजैक आईआईटी गांधीनगर, जीवन लाइट वेंटिलेटर आईआईटी हैदराबाद, लो कॉस्ट 100 रुपीज पर्सनल प्रोटेक्शन किट आईआईटी कानपुर। देखिए, हर आईआईटी ने अपना सहयोग किया है, रिसर्च किया है। प्रकृति डैशबोर्ड, ये किसने दिया है, आईआईटी दिल्ली ने। एक बार वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, कि सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन जो टीवीएस ग्रुप का है, उसने किस आईआईटी के साथ ज्वाइन करके एक लो कॉस्ट ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी असिस्टेंट डिवाइस बनाई है जिसका नाम है सुंदरम वेंटेगो। तो ऑप्शन आंसर है आपका आईआईटी मद्रास, और बाकी आईआईटीज ने क्या क्या किया मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट, नेम द इंडियन स्टेट विच लॉन्च्ड होप पोर्टल टू हेल्प अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ स्टेट। कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जिसने एक पोर्टल लॉन्च किया है होप, होप मतलब क्या होता है, उम्मीद, स्टेट के लिए। उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब, बिहार। उत्तराखंड, उत्तराखंड के डीएम कौन है, दीपक रावत, दीपक रावत। तो आंसर है इसका उत्तराखंड, होप की है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। आप भी अगर कोई आपके आसपास भी कोई प्रवासी मजदूर है जिसके पास कमी है, प्लीज़ उसकी हेल्प करें, बहुत टफ सिचुएशन है अभी। नेक्स्ट, अखिल कुमार द फॉर्मर बॉक्सर ऑफ इंडिया, अखिल कुमार जो भारत के फॉर्मर बॉक्सर हैज बिन री इंडक्टेड इन टू नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। उनको नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी डिसिप्लिनरी पैनल में वापस इंडक्ट किया गया है। हु इज़ द डीजी ऑफ नाडा। अब नाडा के डीजी कौन है, सबसे पहले दो संस्था होती है, एक होती है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, दूसरी होती है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये जो है वो खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट करती है, हर खिलाड़ी का जो भी किसी फील्ड से रिलेटेड हो उनका डोपिंग टेस्ट किया जाता है। तो एक नेशनल लेवल पे तो ये नाडा करती है, अगर आपका इंटरनेशनल लेवल है तो उसको वाडा करती है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी या एजेंट। तो कौन है इसके, नेशनल डोपिंग नाडा के कौन है, देखते हैं, नवीन अग्रवाल। नवीन अग्रवाल कौन है, नाडा के डीजी, डायरेक्टर जनरल, ठीक है। नेक्स्ट, द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज रीलॉन्च्ड संबल योजना। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रीलॉन्च किया है संबल योजना टू स्ट्रेंथन द लाइफ ऑफ द पुअर एंड दलित कम्युनिटी। किसके लिए लॉन्च किया गया है, पुअर और दलित कम्युनिटीज के लिए। हु इज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है बताइए, इसका आंसर है लालजी टंडन। लालजी टंडन ये इससे पहले कहाँ के गवर्नर थे, बिहार के, ठीक है। इससे रिलेटेड और मैं कुछ आपको बता रहा हूँ। अब मध्य प्रदेश की स्कीम कौन कौन से है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, एफआईआर आपके द्वार योजना, नमस्ते ओरछा फेस्टिवल, चिली फेस्टिवल, तानसेन समारोह एंड मंडू फेस्ट सेलिब्रेटेड इन एमपी। ये सभी कहाँ सेलिब्रेट होंगे, एमपी में। कौन कौन से, नमस्ते ओरछा फेस्टिवल, चिली फेस्टिवल, तानसेन समारोह एंड मंडू फेस्ट, अमरकांत नर्मदा महोत्सव, किसके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, मध्य प्रदेश के द्वारा। क्लियर है, वापस मैं आपको बता रहा हूँ एक बार, कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रीलॉन्च की है संबल योजना गरीब लोगों और दलित कम्युनिटीज के लिए। तो गवर्नर कौन है मध्य प्रदेश के, लालजी टंडन। ये इससे पहले कहाँ के गवर्नर थे, बिहार के। मध्य प्रदेश ने और भी लॉन्च की है, और भी स्कीम्स लॉन्च की है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, एफआईआर आपके द्वार योजना।
नेक्स्ट, विच स्टेट विल होस्ट द नेशनल वुमन हॉकी चैंपियनशिप 2021? कौन सा स्टेट जो है नेशनल वुमन हॉकी चैंपियनशिप 2021 को होस्ट करेगा? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। आंसर है इसका यूपी। महाराष्ट्र विल होस्ट 2020 मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। महाराष्ट्र क्या होस्ट करेगा? मेंस का नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। नेक्स्ट, संदेश झिंगान एंड बाला देवी नॉमिनेटेड बाय एआईएफएफ फॉर अर्जुन अवार्ड। संदेश झिंगान और बाला देवी को नॉमिनेट किया गया है एआईएफएफ के लिए अर्जुन अवार्ड के लिए। दे बोथ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? एआईएफएफ कॉल क्या होता है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अब जैसे देखिए एआईएफ नाम ही पता लग रहा है फुटबॉल से, इसका आंसर क्या होगा? फुटबॉल। ठीक है, देखिए फुटबॉल आंसर। नेक्स्ट, वी विद्यावती अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई। वी विद्यावती को अपॉइंट किया गया डीजी डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एएसआई? ध्यान से देखिए, वी विद्यावती को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे के लिए। हेडक्वार्टर कहाँ है एएसआई का? न्यू दिल्ली। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में। नोट देखते हैं कुछ बढ़िया सा। चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी। पीएफसी का सीएमडी कौन है? चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर रविंदर सिंह ढिल्लो। सीईओ कौन है वॉलमार्ट ऑफ इंडिया के? समीर अग्रवाल। क्लियर। नेक्स्ट, अब मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कुछ राहत रिलीफ पैकेज COVID-19 से के लिए, तो उसके बारे में आपको कुछ बता रहा हूँ। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेल्फ रिलीफ पैकेज रिलीज्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले रिलीज किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और इनको रिप्रेजेंट किसने किया? अपने फाइनेंस मिनिस्टर। कौन है? निर्मला सीतारमन। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि एक नई स्कीम आई है गवर्नमेंट की, जिसे बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, और एक उन्होंने कहा था लोकल को वोकल। व्हाट इज द वैल्यू? उन्होंने क्या बोला था? जो इसकी वैल्यू होगी कितनी होगी? 10% ऑफ जीडीपी। जीडीपी का 10%। व्हाट इज द वैल्यू इक्विवेलेंट टू 10% जीडी ऑफ पैकेज दैट वाज अनाउंस्ड बाय पीएम मोदी, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया टू रिवाइव द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए मई 2020 के लिए अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान, सेल्फ रिलायंट इंडिया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कितना पैकेज अनाउंस किया है? पता ही होगा आपको, मैंने बताया भी था 20 लाख करोड़। स्लोगन क्या था? 20 लाख करोड़ फॉर 2020। 20 लाख करोड़ फॉर 2020, मतलब कि 20 लाख करोड़ 2020 के लिए। ये क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि वी आर सफरिंग फ्रॉम COVID-19। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड हाउ मच स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी। गवर्नमेंट ने कितना स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी स्ट्रीट वेंडर के लिए, जो गली गली में रेड़ी पटरी लगाते हैं, उनके लिए अंडर आत्मनिर्भर इकोनॉमिक पैकेज, आत्मनिर्भर इकोनॉमिक पैकेज के लिए 2000 करोड़, 3000 करोड़, 5000 करोड़, 4000 करोड़। ध्यान से सुनिए, स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी मिला है स्ट्रीट वेंडर, वो वेंडर्स जो गलियों में रेड़ी पटरी लगाते हैं, उनके लिए 5000 करोड़। क्लियर है। नेक्स्ट, द सेंटर हैज एक्सटेंडेड द क्रेडिट लिंक सब्सिडी। सेंटर ने क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया है? अभी तो पता है आपको कि कोई भी चीज हो नहीं सकती, तो इसीलिए सेंटर को एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ कैंसिल हो रखा है अभी। इसका आंसर है मार्च 2021। अब ये क्रेडिट होता क्या है? ये क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है जो इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट के लिए 2017 के मई में, वाज इनिशियली एक्सटेंडेड टिल मार्च 31, 2020। कब कहाँ तक के लिए किया गया था? 31 मार्च के लिए। अब इस स्कीम को कहाँ तक एक्सटेंड किया गया है? एक साल ज्यादा, मार्च 2021 तक।
दिस इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट अराउंड 2.5 लाख मोर फैमिली। ये क्यों? क्योंकि 2.5 लाख ज़्यादा फैमिली जो है उनको अफोर्डेबल हाउसेस मिलेगी, घर मिलेंगे। आपको एक अफोर्डेबल हाउसेस और कहाँ से मिल सकती है? प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, PMAY, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत भी घर मिलता है लोगों को। नेक्स्ट, हाउ मच एडिशनल एमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड हैज बीन अनाउंस्ड फॉर ए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर? छोटे और मध्यम वर्ग के फार्मर के लिए कितना पैकेज अनाउंस किया गया है एमरजेंसी? ₹30,000 करोड़, 30,000 करोड़ अनाउंस किया गया है। किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। द पीएम केयर फंड ट्रस्ट, अभी है ना पीएम रिलीफ फंड या पीएम केयर, जहाँ पे सब डोनेट करते हैं, अभी तक सबसे ज़्यादा किसने किया है? 1500 करोड़, टाटा टाटा ग्रुप ने। द पीएम केयर फंड ट्रस्ट हैज एलोकेटेड हाउ मच अमाउंट फॉर इंडिया फाइट अगेंस्ट कोविड-19 इट्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट? पहले इंस्टॉलमेंट के लिए पीएम केयर फंड ट्रस्ट है कितना अमाउंट एलोकेट किया है भारत को? इसका आंसर है 3100 करोड़। ठीक है, पीएम केयर फंड ने कितना किया है? 3100 करोड़। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके आसपास को भी मजदूर कहीं जाता हुआ दिख रहा है तो उसको प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, और कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन ज़रूर दें। थैंक यू।